हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंसान अब्दुल्ला। एंड जो मेरे आज की वीडियो का टॉपिक होता है वो होता मेरे टॉयज कलेक्शन के ऊपर। लेकिन उसके बीच में मेरे को एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मिली, तो मैंने सोचा कि वो टॉपिक हटा के मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। और फ्रेंड्स, जो लोग मतलब बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और बहुत सारे लोगों ने नहीं कर रखा है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, जो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है वो है मेरी फैक्ट्री का एक्वेरियम। तो जो मेरी फैक्ट्री है वहाँ पर एक एक्वेरियम है जिसको नीरज भाई मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो फिशेज हैं, मैं आपको उनके बारे में बताने वाला हूँ, कौन कौन सी फिशेज हैं वो। तो फ्रेंड्स, जो आपने नॉर्मल एक्वेरियम देखे होंगे उसके अंदर नॉर्मल सी फिशेज रहती हैं, गोल्ड फिश, टाइगर फिश और कैट फिश वगैरह। लेकिन जो हमारी फैक्ट्री में एक्वेरियम है उसके अंदर बहुत स्पेशल फिशेज हैं। सो फ्रेंड्स, जो वीडियो में आपको फ्लैट बॉडी वाली फिशेज दिख रही हैं, वो हमारे पास दो वैरायटीज की हैं, डिस्कस, उनका नाम डिस्कस होता है, और वो टोटल 16 वैरायटीज की आती है हमारे पास। उसकी दो वैरायटीज अवेलेबल हैं। तो जो वो रेड स्पॉट वाली फिश है उसका नाम है आपका मालबोरो रेड, और जो ब्लैक स्पॉटेड वाली उसका नाम है लेपर्ड स्नेक स्किन। सो फ्रेंड्स, जो हमारे पास सेकेंड वाली फिश है उसका नाम है लेपर्ड स्नेक स्किन, जो ऑरेंज स्पॉटेड वाली फिश है। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो फिश होती है मालबोरो और ये स्नेक स्किन वाली, ये बहुत ज्यादा शाय फिशेज होती हैं। जैसे आप एक्वेरियम पे थोड़ा टच करेंगे तो ये जो एक्वेरियम प्लांट्स लगे होते हैं उनके पीछे छुप जाती है। वीडियो में आपने सिल्वर लॉन्ग टेल्ड फिश देखी है, उसको सिल्वर आरवाना कहते हैं, और ये दो टाइप में होती हैं, और एक गोल्डन आरवाना होती है, और ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं चाइना में, और कंट्रीज में भी इन्हें एज अ पेट रखते हैं अपने घर पे लोग। और फ्रेंड्स, ये फिशेज जो होती हैं आरवाना, ये मतलब लाइव फूड खाती हैं जैसे शिकार करके। तो फ्रेंड्स, आपने जो फिशेज जो उसको सैंड के नीचे छुपते हुए देख ही लिया होगा, वो सैंड के नीचे चली जाती है, तो मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। तो वो जो है वो स्टिंगरे है, तो आपने वो डिस्कवरी वगैरह में देखी होंगी और बड़ी स्टिंगरे देखी होंगी, लेकिन आपने छोटी बेबी स्टिंगरे की नहीं देखी होगी जो हमारे एक्वेरियम में है। जो आपने भी स्टिंगरे देखी है वो नीरज भैया उसे दिखा रहे थे, मतलब वो उसकी मूवमेंट करा रहे थे, क्योंकि वो बार बार सैंड के नीचे छुप जाती है, तो उस वजह से उसने उनके टेल भी मार दी उनके हाथ पे, तो उनके थोड़ा ब्लीडिंग भी हो गई थी। भैया को थैंक्स कहना चाहता हूँ, अब बिग शाउट आउट टू नीरज भैया, क्योंकि जब पिछली बार जो हमारे एक्वेरियम में उसके अंदर अलग फिशेज थी, तो उन्होंने उसका लाइव प्लांट्स वाला हैबिटेट बनाया था, और इस बार हमारी अलग फिशेज है तो उन्होंने उसका क्या कहते हैं सैंड वाला हैबिटेट बनाया। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, और मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड मेरी वीडियो को शेयर करें आगे तक, एंड आई होप कि आप ये सारी चीजें करेंगे। सो फ्रेंड्स, जब आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह बेटर कंटेंट के साथ अपनी वीडियो बनाऊंगा। सो फ्रेंड, अब हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो
So friends, salam, namaste and sat sri akal.